नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। धर्मपुरी गौतम केवट धार शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक चिटनेस चौक निवासी शिवनारायण राठौर के पुश्तैनी मकान को तोड़कर नव निर्माण के लिए मकान की नींव खोदी जा रही थी। इस दौरान वहां पर खुदाई का काम कर रहे 8 मजदूरों द्वारा पुराना खजाना हाथ में लगा, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। दरअसल पूरी जानकारी आपको बता दें, चिटनी चौक में शिवनारायण राठौर नामक व्यक्ति के मकान की नींव की खुदाई का काम चल रहा था, तो वहां पर खुदाई के दौरान मजदूरों को पुरातात्विक महत्व का खजाना मटकी के रूप में मिला, जिसमें प्राचीन काल के सोने के सिक्के निकले, जिसे चोरी छिपे मजदूरों ने आपस में बांट लिया, जिसके बाद अगले दिन फिर इन मजदूरों को धातु का लोटा मिला, जिसमें सोने की चेन और सोने के टुकड़े मिले, जिसे भी इन मजदूरों ने बांट लिया। इसी दौरान मजदूरों में से किसी एक ने एक सिक्का बाजार में बेचा और जमकर खर्चा भी किया। इसी दौरान इनके आपस में विवाद हुए और इस भी ये बात पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय करते हुए पुलिस ने धार के हिम्मतगढ़ निवासी इन 8 मजदूरों को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। इसमें 86 प्राचीन काल की बहुमूल्य सोने की गिन्नियां, टूटी हुई सोने की चेन, सोने के टुकड़े का जिनका वजन करीब 1 किलो, बाजार मूल्य 60 लाख रुपए, और धातु के मटमैले कलर का लोटा, सोने की चेन टुकड़े जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले में पुलिस द्वारा पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया है, राजस्व विभाग को सूचना दी, साथ ही उपभोक्ताओं को मामले को लेकर और छानबीन करनी चाहिए। अरे पकड़ा गया, वो तो पकड़ा गए, पर तुमको तुम्हारा उसमें क्या मिलेगा? मुखबिर किसी और को नहीं बनाया? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला आप आपके हिसाब से देख लेना। पुलिस बहुत बदमाश है, यदि पुलिस किसी और को मुखबिर बना उससे कहना कि हमको पता ही नहीं था हमारे यहाँ हुआ। हाँ वो तो मिलेगी, तो नहीं रहेगा तो काकी बताई नहीं गया अपना, तो कोयला समझ लो कहीं भी समझ लो, काकी बताई जाती तो अपना कहीं मिल जाता। नहीं कितना मैं समझा, उधर पूछ के बोल अरे पकड़ा गया, वो तो पकड़ा गए, पर तुमको तुम्हारा उसमें क्या मिलेगा? मुखबिर किसी और को नहीं बनाया? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला आप आपके हिसाब से देख लेना। पुलिस बहुत बदमाश है, यदि पुलिस किसी और को मुखबिर बना उससे कहना कि हमको पता ही नहीं था हमारे यहाँ हुआ। हाँ वो तो मतलब नहीं रहेगा तो काकी बताई नहीं गया अपना, तो कोयला समझ लो कहीं भी समझ लो, काकी बताई जाती तो अपना कहीं मिल जाता। नहीं कितना मैं समझा, उधर पूछ के बोल
सीएसपी धार देवेंद्र दुर्वे, थाना प्रभारी कोतवाली समीर और इनकी टीम जिसमें भी उप निरीक्षक है, उस मकान के अंदर क्योंकि मकान बनना था उसके दीवारें और बाकी सब चीज़ों को तोड़ के उसके मलबे को हटाया जा रहा था। उस बीच में कुछ ये सारा मिला के करीब 1 किलो वजन का है जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। इन लोगों से जब्त की गई है पुलिस के द्वारा 41-102 के तहत अभी तक कार्रवाई की है और अभी इसके बारे में पुलिस जो है पुरातात्विक इसका क्या महत्व है और उस संबंध में पुरातत्व विभाग से भी जानकारी हासिल कर रही है। थाना कोतवाली जिला धार के अंतर्गत एक बहुत ही सराहनीय और एक अलग किस्म का कार्य हुआ है जिसमें यहाँ पर कोतवाली अंतर्गत चिटनेस चौक पर एक निर्माणाधीन मकान था। निर्माणाधीन मकान के अंदर उसकी जो दीवारें वगैरह है उसके मलबे को डिस्प्लेस कर रहे थे तो उसमें कुछ गिन्नियाँ मिलने के संबंध में पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। पुलिस के द्वारा इसमें अपना तंत्र को फैलाया गया तो हिम्मतगढ़ के करीब 8 लोग जिन्होंने कि उस मलबे को शिफ्ट किया था वो संज्ञान में आए। उनसे जब पूछताछ की गई है तो उनसे उनको अलग अलग तरीके से करीब 86 सोने की गिन्नियाँ जो कि बहुत ही पुरातात्विक महत्व की और बहुमूल्य थी वो उनसे जब्त की गई है। पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई के अंदर SP सर के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन में हमारे CSP कोतवाली देवेंद्र दुर्वे, थाना प्रभारी समीर, उप निरीक्षक अशोक लेहरी और उनकी टीम जिसमें कि अजय, गौतम, मनीष और राम नरेश, अरविंद, इनका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा था। इनके द्वारा उन गिन्नियों को जब्त किया गया और 41-104-102 के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया गया और पुलिस रिमांड में और कहीं गिन्नियाँ हो इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। सूचना मिली थी SP सर को संज्ञान में लाया गया और उनके निर्देशन में CSP धार देवेंद्र दुर्वे, थाना प्रभारी कोतवाली समीर और इनकी टीम जिसमें भी उप निरीक्षक